Assalamu alaikum guys, how are you all doing? I hope that you all are doing well. This is Muneeb Tahir and welcome back to another video. अच्छा तो दोस्तों मेरे पास यार बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि मेरी इंटर्नशिप वाली वीडियो स्पेशली जो मैंने दो तीन अपलोड की थी कि इंटर्नशिप कैसे मिली थी और कैसे मिलती है, कौन से सेमेस्टर में हम इंटर्नशिप कर सकते हैं, बहुत से जूनियर्स ने क्वेश्चन किया. तो आज यार ये सारी जो है मैं क्वेश्चन को आंसर करूँगा और इस सारी इंटर्नशिप वाले क्या इंटर्नशिप्स के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे मिलती है, क्या होता है, एवरीथिंग. ठीक है, तो आपको ये करना है वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. इफ़ यू थिंक एट द लास्ट के आई डिजर्व, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इट मीन्स अ लॉट. लेट्स डाइव इनटू इट. अच्छा तो ये फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो ये है कि कब इंटर्नशिप कर सकते हैं आप. तो हमारी इंडस्ट्री ऐसी है यार आईटी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो दूसरी फील्ड्स में मैटर करती हैं यहाँ वो मैटर नहीं करती हैं. यहाँ सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है, कोई शक नहीं है, वो होता है आपका स्किल. ठीक है, आपके ग्रेड से भी ज़्यादा जो चीज़ डिपेंड करती है वो होता है आपका स्किल. सही है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि यार ग्रेड्स मैटर करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं. ठीक है, और अगर यार मैं कोई वीडियो भूल रहा हूँ कि जो आपने क्वेश्चंस पूछे हों और मुझे याद नहीं, तो यार वो भी कमेंट्स में बता दें प्लीज़, क्योंकि कभी इंसान भूल जाता. ऐसा होता है ना यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ऑलरेडी 4-5 साल से कुछ काम कर रहे होते हैं. अब हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनको ऑलरेडी जो है कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का काफ़ी नॉलेज था. ठीक है, तो उनका जो है कैलिबर और हमारा कैलिबर ऑफकोर्स तब बराबर नहीं था. ठीक है, तो अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं कि आप जो है 3-4 साल पहले से मैट्रिक से जो है आप कोडिंग कर रहे हैं या वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप जो है 2 साल का इंतज़ार करें कि उसके बाद इंटर्नशिप करें. ठीक है, जब आपको फर्स्ट मौका मिले, जब आपको टाइम मिले, आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर लें. और ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि नहीं यार अभी आप छोटे हो, अभी आप जो है उसमें हो, आप बैचलर्स में जो है इनरोल्ड हो. ठीक है, तो दैट्स अ गुड थिंग. तो आप जाके बताओगे सिर्फ आगे इंडस्ट्री को कि हाँ यार ये मेरा काम है, ये मेरा स्किल है और मैं काम कर सकता हूँ, तो आपको रख लिया जाएगा. अच्छा, बाकी यार नेक्स्ट स्टेप के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो नेक्स्ट स्टेप का आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन पे आप इनको फॉलो कर लें. तो मेन क्वेश्चन ये आया कि नेक्स्ट स्टेप में किस तरह से जो है आपको इंटर्नशिप मिलेगी. तो यार नेक्स्ट स्टेप तो एक आईटी पार्क है, उसके अंदर बहुत सारी जो है वो मतलब बजाते खुद ये नेक्स्ट स्टेप कोई कंपनी नहीं है कि जो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है. ठीक है, ये जो है एक आईटी पार्क, एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर काफ़ी सारी प्राइवेट और पब्लिक इंडस्ट्रीज हैं. पहली वीडियो में मैं बताया था मैंने. ठीक है, अब आप अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप नीचे जाके नेक्स्ट स्टेप वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा. उसमें ना मैंने ऑफिस में घूम फिर रहा हूँ, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऑफिसेज हैं उधर, तो आप जाएं, आप रिसर्च करें. फॉर एग्जांपल एक 2 ऑफिस का मैं नाम बता देता हूँ. मैंने जिस ऑफिस में काम किया था, इट इज़ ऑक्टाथोन प्राइवेट लिमिटेड. अब जो है उधर और है नीकेट है, फिर उधर है साइबर कूजा, फिर उधर है PNY ट्रेनिंग्स. सही है, तो इस तरह के बहुत सारे, ये तो मैंने 4-5 का नाम लिया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं प्राइवेट भी और पब्लिक भी. तो ऐसा है कि बेस्ट ये है कि आप जो है लिंक्डइन पे देखें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, लिंक्डइन पे उनको फॉलो करें. और लिंक्डइन पे यार सबसे बड़ी सोर्स लिंक्डइन है. मैंने जितनी जो है वो इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया था, समर इंटर्नशिप्स के लिए, वो लिंक्डइन से किया था. और बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया था, 3-4 जगहों से जो है 4-5 जगहों से कॉल आई. ठीक है, 3 जगहों पे मैं इंटरव्यू देने गया, और इंटरव्यू में मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे थे वो मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में. तो उसके लिए जो है आपको, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको मिले. इसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि इंटरव्यू में जब मैं गया तो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था और पूछा क्या गया. इट वॉज टोटली डिफरेंट और इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग. तो आई होप के आज की वीडियो आपके जो छोटे मोटे क्वेश्चन थे वो आंसर कर लिए होंगे. फिर भी अगर कोई बात रहेगी यू कैन आस्क इन द कमेंट्स. बाकी इंटर्नशिप का यही है यार, आप कभी भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, योर प्रीवियस नॉलेज, एवरीथिंग. सही है, और एक लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, एक एडवाइस. ठीक है, कि मेरा एक प्लान था स्टार्ट से कि यार सेकेंड सेमेस्टर के बाद जो हमारा समर वेकेशन होगी उसके अंदर मैं कोई ना कोई कोर्स कर लूँगा, जो 4th के बाद हमारी वेकेशन होगी उसमें मैं इंटर्नशिप कर लूँगा, और जो 6th के बाद होगी उसमें भी कोशिश करूँगा कि कोई पेड इंटर्नशिप मिल जाए. तो इस तरह का प्लान था, वो अभी तक जो है बिल्कुल ठीक जो है एग्जीक्यूट हुआ.
सेकेंड सेमेस्टर के बाद मैंने कोई एक कोर्स किया था वेब का, फोर्थ सेमेस्टर के बाद इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है इंटर्नशिप भी मिल गई, तो ये भी पूरा हो गया। अभी आगे और भी गोल्स हैं, तो इस तरह से आप जब गोल सेट करते हैं लाइफ में तो आपको बहुत पता है, जब आप कोई किसी गोल को रीच करते हैं ना तो बहुत खुशी होती है और आपको मोटिवेशन मिलती है कि आप अगले गोल सेट करें। ठीक है, तो ऐसे ही गोल सेट करके बस आगे बढ़ते रहें यार। बाकी ये है कि बेस्ट ऑफ लक, दैट्स ऑल फॉर टुडे यार। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक तो लाइक भी ज़रूर करना, और अगर अभी आप जहाँ सब्सक्राइब नहीं किया यू बेटर नो व्हाट टू डू। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्माइलिंग। अस्सलामुअलैकुम।